नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिल्डिंग के प्रत्येक पार्ट की डिसटरिंग हमें कितने दिनों में करनी चाहिए, यानी कि बीम कॉलम स्लैब की सटरिंग हमें कितने दिनों में खोलनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी साइट पर कौन सी सटरिंग कितने दिनों में खोली जाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कॉलम की डिसटरिंग हमें कितने घंटों बाद करनी चाहिए, और इसके साथ साथ यदि आप बीम बना रहे हैं तो बीम की डिसटरिंग आपको कब करनी है, और स्लैब ढलाई के कितने दिनों बाद आपको स्लैब की सटरिंग खोलनी चाहिए, और इसके साथ साथ फाउंडेशन की डिसटरिंग आपको कितने घंटों बाद करनी चाहिए, और स्टेयर यानी कि सीढ़ी की डिसटरिंग कितने दिनों बाद करनी चाहिए, और इसके साथ साथ लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि पीसीसी करने के बाद पीसीसी की डिसटरिंग आपको कब करनी चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सबसे पहले यदि हम कॉलम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की ढलाई कंप्लीट होने के बाद कॉलम की डिसटरिंग कुछ इस तरीके से की जाती है, और कॉलम की डिसटरिंग आपको 24 घंटे बाद करनी चाहिए। और यदि हम अपने साइट की बात करें तो यदि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो गर्मी के मौसम में 10 से 15 घंटे बाद हम लोग डिसटरिंग कर लेते हैं। बट यदि आप 10 से 15 घंटे बाद डिसटरिंग कर रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि सटरिंग को ओपन करते समय आप कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप आराम से कॉलम की सटरिंग ओपन कीजिए, यदि ओपन हो जाती है तो आप ओपन कर लीजिए, और यदि आपको कहीं पर लगता है कि सटरिंग फंस रही है तो उस सिचुएशन में आप किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो कॉलम के किनारे की जो कंक्रीट होती है वो टूटकर निकल जाती है, ऐसे में आपका कॉलम कमजोर हो जाता है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आपको कॉलम की डिसटरिंग हमेशा 24 घंटे के बाद करनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम बीम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम प्लिंथ बीम बोलते हैं, और प्लिंथ बीम की डिसटरिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि यदि प्लिंथ बीम जमीन को टच करते हुए बनाई गई है तो उस सिचुएशन में आप प्लिंथ बीम की डिसटरिंग जो है वो 24 घंटे बाद कर सकते हैं। बट यदि प्लिंथ बीम को डायरेक्ट जमीन पर ना बना के नीचे से सपोर्ट दिया गया है तो उस सिचुएशन में आपको मिनिमम 3 डेज बाद डिसटरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम स्लैब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब की जो सटरिंग होती है कुछ इस तरीके से की जाती है, और स्लैब ढलाई कंप्लीट होने के बाद यदि गर्मी का मौसम है तो आप 7 डेज बाद डिसटरिंग कर सकते हैं, और यदि ठंड का मौसम है तो आपको मिनिमम 10 दिन बाद डिसटरिंग करनी चाहिए। और यदि हम बुक की बात करें तो बुक में 14 डेज लिखा हुआ है, यानी कि 14 दिन बाद आपको स्लैब की डिसटरिंग करनी चाहिए। तो यदि आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप 14 डेज ही बताएंगे। नेक्स्ट, यदि हम फाउंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से सटरिंग की जाती है, तो फाउंडेशन की सटरिंग आप 24 घंटे बाद खोल लीजिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कंक्रीटिंग कंप्लीट होने के 16 घंटे बाद आप आराम से खोल सकते हैं। बट यदि आप 16 घंटे बाद खोल रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको इस बात का ध्यान देना है कि सटरिंग खोलते समय आप किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप सिंपली सटरिंग ओपन करेंगे, यदि ओपन हो जाती है तो ओपन कर लेंगे, और यदि कहीं पर सटरिंग फंसती है तो उस सिचुएशन में आप किसी भी चीज़ से सटरिंग खोलने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। यदि आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो फाउंडेशन के किनारे की जो कंक्रीट होगी वो टूटकर निकल जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप 24 घंटे बाद फाउंडेशन की डिसटरिंग करिए। नेक्स्ट, यदि हम स्टेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से सटरिंग की जाती है, और यदि हम स्टेयर के सटरिंग की बात करें तो आपको मिनिमम 7 डेज से 14 डेज, यानी कि 7 दिन से 14 दिन के बीच डिसटरिंग करनी चाहिए। यदि गर्मी का मौसम है तो सिंपली आप 7 दिन की क्यूरिंग के बाद स्टेयर यानी कि सीढ़ी की डिसटरिंग कर सकते हैं, और यदि ठंड का मौसम है तो आपको मिनिमम 10 डेज तक क्यूरिंग करने के बाद ही डिसटरिंग करनी है। और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप 14 दिन तक भी रख सकते हैं, बट मिनिमम आपको 7 डेज तक जरूर से जरूर सटरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम पीसीसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन बनाने से पहले बिल्कुल नीचे की लेयर में कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क किया जाता है, और पीसीसी के सटरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीसीसी बनाने के लिए कुछ इस तरीके से पीसीसी के चारों किनारे सटरिंग लगाई जाती है। और पीसीसी के यदि हम थिकनेस की बात करें तो पीसीसी हमेशा 10 सेंटीमीटर के थिकनेस में की जाती है, तो पीसीसी की सटरिंग आप 6 से 10 घंटे में आराम से खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बिल्डिंग के प्रत्येक पार्ट की डिसटरिंग कितने दिनों में होती है, किताब में जो लिखा है उसके साथ साथ हम लोग साइट पर कितने दिनों बाद खोल देते हैं बिल्कुल ओपन करके आपको बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए या फिर मत करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।